नमस्कार दोस्तों दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण एक भारतीय राजनीतिज्ञ वकील और दलित अधिकार कार्यकर्ता है। चंद्रशेखर भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फरवरी 2021 में टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 उभरते नेताओं की अपनी वार्षिक सूची में शामिल किया था। उन्होंने गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दोस्तों इनका पूरा नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है और इनका निकनेम जो इनको ज्यादातर लोग जानते हैं रावण के नाम से जानते हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश भारत में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम गोवर्धन दास है जो एक सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल है और उनकी माता का नाम कमलेश देवी है। उनके दो भाई है, बड़े भाई का नाम भरत सिंह है और छोटे भाई का नाम कमल किशोर है। वो वर्तमान में अविवाहित है। दोस्तों इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो वह डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से कानून में स्नातक किया है। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद हिंदू धर्म का पालन करते हैं और अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों आजाद ने खुद को दलित नेता के रूप में स्थापित किया है और वह अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में उन्होंने सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ भीम आर्मी की स्थापना की थी। भीम आर्मी दलितों के लिए काम करने वाली संस्था है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए मुफ्त स्कूल चलाता है। 15 मार्च 2020 को उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों उन्होंने अपना करियर भीम आर्मी के नेता के रूप में शुरू किया था जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक संगठन है, लेकिन बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया। पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी के साथ गठबंधन किया था। दोस्तों उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। दोस्तों वह चुनाव हार गए थे और 7543 मतों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। दोस्तों उन्हें सहारनपुर हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। दोस्तों दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में जामा से जंतर मंतर तक सीएए के खिलाफ चंद्रशेखर के विरोध मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जामा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई दिनों तक हिरासत में रखा था। दो सीएए विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उन्हें हैदराबाद में फिर से गिरफ्तार किया गया था। 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के विरोध में उन्हें 500 भीम आर्मी के सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों इन सभी को हाथरस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के लिए आईपीसी और महामारी रोग नियम की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ भी शामिल हुए और मांग की कि नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, जिसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण जो जालौर में आ चुके हैं, राजस्थान में आ चुके हैं, और जो जालौर का मामला है, जो दलित बच्चे का मामला है, उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई है और उन्होंने बोला है और साथ दे रहे हैं पूरी तरह से और आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।